हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल्स के बारे में, और मार्श ग्रे कलर में आपको दिखा रहा हूँ। तो इस बाइक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या कुछ आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या प्राइस है, क्यों आपको लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देख लो भाई, पहले ओवरऑल लुक काफ़ी शानदार जो है ये कलर आपको देखने को मिलता है, और सेकेंड मोस्ट सेलिंग क्लासिक 350 है ये, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे बिकती है क्लास 350 के अंदर ये वाला कलर, और काफ़ी लोगों को द्वारा जो है भाई पसंद किया जाता है। काफ़ी लोग इसे आर्मी कलर भी बोलते हैं, और बाइक भी काफ़ी शानदार है। 2,50,000 रुपये के आसपास इसका जो है ऑन रोड प्राइस फ़िलहाल दिल्ली के अंदर चल रहा है, 2,50,000 के अराउंड। और ऑल अराउंड काफ़ी बढ़िया जो है कलर आपको देखने को मिलता है, किसी और बाइक में आपको ये कलर देखने को नहीं मिलेगा। और काफ़ी यूनिक बाइक है अपने आप में, काफ़ी यूनिक तरह के इसके अंदर आपको स्टिकर्स वगैरह जो है देखने को मिलते हैं कंपनी की तरफ से, और काफ़ी शानदार लगती है। रेट्रो लुक को मेंटेन करती है ये बाइक, और एक वॉर की याद दिलाती है आपको। इसके ऊपर जो नंबर आप देख रहे हो टैंक के ऊपर, ये नंबर जो है आपको हर बाइक के ऊपर यूनिक देखने को मिलेगा, किसी बाइक के ऊपर आपको जो है सेम नंबर देखने को नहीं मिलेगा। इसके ऊपर जितने भी रॉयल इनफील्ड के स्टिकर्स वगैरह जो भी कुछ है बिल्कुल डिफरेंट है, किसी और सीरीज़ के अंदर आपको जो है ये किसी और बाइक पर इस तरह के स्टिकर्स और इस तरह की नंबरिंग जो है देखने को नहीं मिलती, सिर्फ क्लासिक 350 के अंदर जो सिग्नल सीरीज़ आपकी इसी के अंदर आपको जो है देखने को मिलता है। 350 सीसी का बिल्कुल लेटेस्ट J1 सीरीज़ का आपको इंजन मिलता है, यहाँ पे सिग्नल्स 350 की बैजिंग देखने को मिलती है। ये इंजन आपको 20.2 bhp की पावर निकाल के देता है 27 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है 300 mm की, और रियर में 270 mm की आपको जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। ड्यूल चैनल ABS के साथ ये बाइक आपको देखने को मिलता है। स्पोक व्हील्स आते हैं तो ट्यूब टाइप टायर इसके अंदर आता है, और ये स्प्लिट सीट इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप कंट्रोल वगैरह देख लो, लाइट के इंडिकेटर, हॉर्न, और ये आपका मीटर कंसोल, और यहाँ पे आपको जो इंजन किल स्विच, पावर स्टार्ट बटन एंड जो आपको हजार्ड लाइट का बटन मिलता है, और ये आपको कुछ इस तरह का सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। और इसके अंदर छोटी सी MID मिलती है जिसमें आपको फ्यूल मीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, जरूरत की सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। ट्रिप नेविगेशन भी आप लगवा सकते हो, और यहीं से आप लॉक भी कर सकते हो हैंडल को अब, और USB चार्जिंग भी आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। बाइक काफ़ी शानदार है भाई, 35 तक का माइलेज आराम से आप अचीव कर सकते हो इस बाइक से। इंजन कितना शानदार है देखो, मैट ब्लैक के अंदर आपको इंजन मिलता है, और जो स्पोक व्हील्स हैं इसके अंदर भी थोड़ा सा मैट ब्लैक आपको टच देखने को मिलेगा, और TP28 पीछे आपको बैजिंग देखने को मिलती है, ये टेल लैंप इसका, इधर आपको साड़ी गार्ड भी देखने को मिलता है, और चेरी कलर की आपको सीट्स मिलती हैं, स्प्लिट सीट इसके अंदर आती हैं, हेडलाइट, इंडिकेटर, टेल लाइट सब कुछ आपको हेलोजन में मिलता है, कुछ भी इसके अंदर आपको जो है LED वगैरह देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे भी सिग्नल्स 350 लिखा गया है। बाकी 5 गियर आते हैं इसके अंदर, 1 down 4 up वाला आपका सिस्टम है। 120 तक की आपको मैक्सिमम टॉप स्पीड इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है। कलर भाई थोड़ा सा मैटी मैटी सा कलर आपको जो है देखने को मिलेगा ये। बाकी फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी रॉयल इनफील्ड इस बाइक के अंदर यूज़ करता है। 13 लीटर का इस बाइक के अंदर आपको टैंक देखने को मिलता है 2.6 लीटर की रिजर्व कैपेसिटी के साथ। लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है, और इसके ऊपर जो है ब्लैक कैप आती है हेडलाइट के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। और फ्रंट में जो है आपको सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं 41 mm फ्रॉक्स 130 mm ट्रेवल के साथ, और रियर में ट्विन ट्यूब एमिलेशन शॉक एब्जॉर्ब्स 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड के साथ देखने को मिलते हैं। और स्पोक व्हील्स आते हैं जैसे मैंने आपको बताया, फ्रंट में 19 इंच का व्हील आता है, रियर में 18 इंच का व्हील आता है। फ्रंट साइज़ जो है टायर का वो 190/19 का है, और रियर वाला 120/80/18 का आपको देखने को मिलता है। ट्यूब टाइप टायर आते हैं जैसे मैंने आपको बताया। 195 kg बाइक का वेट है। 805 mm की जो है आपको सीट हाइट मिलती है। 170 mm की आपको अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है इस बाइक के अंदर। 2145 mm की लंबाई मिलती है। 785 mm की चौड़ाई मिलती है। 1090 mm की आपको हाइट मिलती है। 1390 mm का आपको व्हील बेस देखने को मिलता है। ट्विन डाउट ट्यूब फ्रेम इसके अंदर आपको चेसिस मिलती है, यानी कि ड्यूल रोड चेसिस आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। 3 साल या 30,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो अप टू 5 ईयर्स के लिए। तो ओवरऑल एक कभी बढ़िया आपको बाइक देखने को मिलती है, काफ़ी रिलायबल मोटरसाइकिल है क्लासिक 350, कंफर्टेबल भी है, परफॉर्मेंस के मामले में भी कहीं भी आपको परेशान नहीं करेगी। सर्विस एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया है रॉयल इनफील्ड का, हर जगह आपको इंडिया में तो एटलीस्ट सर्विस सेंटर्स मिल ही जाते हैं। और एक वैल्यू फॉर मनी बाइक में इसलिए कहूँगा इसको, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट बाइक है, डिफरेंट सेगमेंट है थोड़ा, काफ़ी यूनिक तरह की बाइक है, और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया आपको जैसे बाइक के अंदर आपको देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छी आपको रीसेल वैल्यू ऑफर करती है ये बाइक, क्लासिक 350 की रीसेल वैल्यू बाइक काफ़ी अच्छी है, और किसी भी एज ग्रुप का पर्सन चलाए सभी के ऊपर ही अच्छी भी लगती है। 2.5 लाख रुपये के आसपास प्राइस है, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बाइक काफ़ी बढ़िया है।
और यही था हमारा ओवरऑल रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की डिटेल रिव्यू। सारी चीज़ें मैंने इस बाइक के बारे में आपको बढ़िया से डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। फिर भी कुछ रह गया हो, आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।